हार्दिक शुभकामनाएं आप सब जो यहाँ पे आए हैं। मैं परिणाम लड़कों बोल रहा था कि आपके लिए मंच क्यों बनाया, आप सबको बुलाया लिट्टी चोखा खाने के लिए, कोई भाषण सुनने तो आया नहीं है, तो ये मंच बनाना ही नहीं चाहिए था। जब लिट्टी चोखा खाने को बुलाया तो खाने में आपको थोड़ा ज्यादा इंतजाम करके सब ठीक से लिट्टी चोखा खाए और आपका दिल की बात करके घर वापस जाए, इसी तरीके से इस प्रोग्राम को सजाना चाहिए। मैं मानता हूँ आप सब जो यहाँ पे आए हैं, आज मैं कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा क्योंकि आप सबको लिट्टी चोखा खाने पे बुलाया है और मैं खुद भी यहाँ पे आप सबके साथ लिट्टी खाने आया हूँ। सबको मैं पहले मजदूर भाई और मेरी माँ बहनी और मेरे कम उम्र वाले जो यहाँ पे मौजूद है, मैं सबको मेरा हृदय से अभिनंदन देता हूँ। आप सब आए हैं और जिस प्यार का और जिस तरीके से आप सबका समर्थन मुझे पिछले दो दिन से पश्चिम बर्धमान में मिला है, आपके सबके लोकप्रिय सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी यहाँ पे है, विधायक है और बाकी सब जिला के सभापति मंत्री प्रदीप मजूमदार, आप सब यहाँ पे जिस तरीके से मुझे अपनाया है, मैं जितना दिन इस धरती पे रहूंगा आपका शुक्र गुजारता रहूंगा और आपके लिए काम करते रहूंगा। सबसे पहले मैं आप सबको बधाई इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही मान में आसान जो लाया हूँ शत्रु जी का चुनाव में उनका प्रचार करने आया था, आप सबने हमारी बात रखी और उनको 3 लाख वोट से जिताया। मैं आसनसोल का हर एक माँ भाई बहन और सबका, खास करके जमुनिया का, पांडवेश्वर का, रानीगंज का, आसनसोल दक्षिण उत्तर उल्टी सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ और मैं आपको ये वादा करके जाता हूँ कि आपके साथ हम 2-3 महीने में आपसे हमारी आपके साथ हमारा जो संपर्क है उसके बीच में कोई नहीं रहेगा, हम और आप साथ मिलकर आने वाले दिन में जनता के लिए काम करेंगे और एक साथ दीदी का जो बंगाल का सपना है कि हर घर तरक्की और कोई भी हो, जब हम लोग एक बार चुन के आता है तो हम लोग के पास कोई धर्म नहीं होता, उसका एक ही धर्म होता है और एक ही मकसद होता है वो है और एक ही परिचय होता है वो है इंसानियत। अगर इंसानियत के हद से आप काम करो तो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए वो काम करता है। आप यहाँ पे मैं आ रहा था तो मैंने सुना यहाँ पे पानी का कुछ समस्या है, वो मैं आने वाला दिन में हल करूंगा, आप चिंता मत करो। जो भी समस्या मुझे मिला है, मैं आते आते लोगों से मिल रहा हूँ, 10 किलोमीटर की ज्यादा स्पीड से गाड़ी चली नहीं आए क्योंकि दोनों साइड इतने बड़े संख्या में लोग खड़े हैं, माताएं बहने आके आशीर्वाद दे रहे हैं। हमने ये जो कार्यक्रम शुरू किया था कुचबिहार से, आज ये कार्यक्रम का 23वां दिन है और आज मैं आपके बीच जमुनिया आके पहुंचा हूँ। इसका नाम हम लोगों ने रखा था तृणमूल नवो जवान, इसका मतलब जवान को आप समझ लीजिए लहर, और आते आते जमुनिया तक जब ये जड़ो जवान पहुंचा तो ये नवो जवान नहीं है, जड़ो जवान हो गया है, मतलब लोगों की लहर हो गया है। जिस बड़ी तादाद में लोग ने समर्थन दिया है, प्यार दिया है, हमें अपनाया है, चाहे वो पूर्व वर्धमान हो, पश्चिम वर्धमान हो, कुचबिहार हो, अलीपुरद्वार हो, हर जगह मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और पॉलिटिक्स का बात मैं आपको इतना ही करूंगा कि इस बार जिस मकसद के कारण ये भाई फ्लैग को नीचे रखो, पीछे लोग नहीं देख पा रहे, फ्लैग नीचे करो, फ्लैग नीचे करो, ये जिस मकसद से आप लोग आए हैं कि इस बार जो पंचायत का चुनाव है हम लोगों के पास जा रहे हैं और आपसे आपका
आप जिसको उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं आपका सजेशन पार्टी उसी को आने वाले चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा करके पूरी ताकत संसाधन और शक्ति के साथ लड़ाई लड़के उसी को जिताएगी और आने वाला 5 साल आपके हित में काम करे, आपके तरक्की के लिए काम करे, ये हम लोग ये आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं किया है। हम लोग तो सत्ते में है, सत्ते में जो लोग रहता है वो लोग कभी यात्रा नहीं करते। हम लोग कुचबिहार से स्टार्ट किया है, करीबन 2500 किलोमीटर अब तक हम लोग चल चुके हैं, कभी गाड़ी से गया है। लोग आ रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सुन के हैरान होंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी आके बोल रहे हैं कि दादा हमारे यहाँ पे पुल है, लाइट नहीं है, अब समाधान कर दो। मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? मैंने उससे पूछा कि भाई आप क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं आरएसएस करता हूँ, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और मेरा यहाँ पे अभी 2 दिन पहले का बात है, मैं पूर्व वर्तमान में था 2 दिन पहले का। तो मैंने उससे पूछा बताओ क्या दिक्कत है? तो उसने कहा दादा हमारे यहाँ पे एक ब्रिज है, ब्रिज के सामने एक लाइट है, लाइट में बहुत दिन से रोशनी नहीं आ रहा है, इसमें लाइट की जरूरत है। आप अगर थोड़ा लाइट का बंदोबस्त कर देंगे तो इलाका में जो लोग रहता है गांव में उसका बहुत भला हो जाएगा। तो मैंने कहा आपने पंचायत को बोला? उन्होंने कहा नहीं पंचायत को तो नहीं बोला, पर वीडियो को एक एप्लीकेशन बहुत दिन पहले दिया था अभी तक। तो मैंने कहा आप क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं आरएसएस करता हूँ और आरएसएस का यूनिफॉर्म में लड़का खड़ा हुआ था, टोपी वगैरह सब कुछ पहन के। मुझे इच्छा अच्छा लगा, मुझे अच्छा इसलिए लगा, इसलिए नहीं कि भाई वो आरएसएस नहीं है, भरोसा उसका है तो है ममता बनर्जी के ऊपर। मेरा समस्या का हल अगर करेगा तो यही सरकार करेगा। वो भी जानता है कि भाई मेरा जो सरकार वो डबल इंजन नाम का है, असलियत में वो ट्रबल इंजन है। और दीदी का जो सिंगल इंजन सरकार यहाँ बैठा हुआ है, जो बोलता है वो करता है। तो इस तक अगर मैं पहुंचा दिया तो मेरे आने वाले दिन में इस पुल में लाइट जरूर लग जाएगी। और मैं ये आपको कहते जाता हूँ, आज प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा और जितना जल्द हो सके एक फायर ब्रिगेड का इंतजाम भी जामुड़िया में करूंगा। मैं सबको वादा करके जाता हूँ, इंडस्ट्रियल जगह है, फायर ब्रिगेड चाहिए। हो गया, आपने चिट्ठी दे दिया, उसको फॉलो किया, किया तो इंस्पेक्शन हो गया, पर जल्द से जल्द ये काम हो जाए इसका जिम्मेदारी मैं लेके जाता हूँ। आप सब निश्चित रहिए, मैं पॉलिटिकल बातें ज्यादा नहीं कहूंगा। खाने आए हैं लिट्टी चोखा, खाइए प्यार से और हमारे समाज में भाईचारा बरकरार रखे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। ये धरती, ये देश, ये प्रदेश सबका है, किसी एक का पिताजी का संपत्ति नहीं है। कोई अगर सोचता है मैं जो कहूंगा वही होगा, आपको मनाइए। बंगाल का जो और इस मिट्टी का जो खास बात है, ये सब एक साथ मिलके रहते हैं। अभी रस्ते से आ रहा था, मैं किसी को देख के बोल नहीं पाऊंगा किसका धर्म क्या है, किसका मजहब क्या है, लेकिन जिस तरीके से प्यार दे रहा है वही दिखाता है कि बंगाल में ये जो बंधन है, रिश्तों का बंधन, ये कोई दिल्ली का या गुजरात का नेता तोड़ नहीं सकता है। कि जब तक बंगाल के लोग मिलके साथ में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, वो भाईचारा अटूट रहेगा और वो बंधन आने वाले 100 साल तक बरकरार रहेगा और उसमें एक आंच कोई भी नेता डाल नहीं पाएगा। मैं सबको एक बार फिर से अपने हृदय से